क्या कहेंगे सर, आज खामोश आंदोलन चल रहा है आपका? आज औरंगाबाद में हम जो है तो एक खामोश आंदोलन फलस्तीन की अवाम की हिमायत के अंदर जो है तो कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि फलस्तीन के अंदर जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है ये कोई नई कहानी नहीं है। लगातार जो है तो फलस्तीन के अंदर, गाज़ा के अंदर जो है तो वहाँ पर रहने वाले फलस्तीनियों के ऊपर जब जुल्म और जबर जो है तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज मासूम बच्चों की जो है तो जाने जा रही है, औरतों के ऊपर जो है तो फास्फोरस बम जैसे ख़तरनाक बमों का जो है तो इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सब जो है तो इंसानियत को, मानवता को मारने वाला है। हम हर तरह की हिंसा, हर तरह के जंग का जो है तो विरोध करते हैं। हमारा मानना है कि अमन और शांति यही जो है तो इंसानियत और मानवता को जो है तो बचा सकती है और इसी से मानवता मजबूत होगी। किन लोगों के भी ज़रिए भी अगर जो है तो हिंसा और जंग होंगी उसका जो है तो हम जो है तो सख्त अल्फाजों में उसकी मजम्मत करते हैं। अमन और शांति यही जो है तो मानवता को बढ़ावा देती है, लेकिन साथ ही साथ जो ताकतवर लोग हैं, जिसके पास सत्ता में है, जिनके पास पावर है, जिनके पास एटम बम है, जिनके पास हथियार है, ये लोगों को भी चाहिए कि ये लोग जो है तो कमज़ोर लोगों के ऊपर जुल्म करना, अत्याचार करना, कमज़ोरों के साथ नाइंसाफियाँ करना और कमज़ोर लोगों के साथ पक्षपात करना ये बंद करें। अगर ये चलता रहेगा तो शांति और अमन कभी नहीं आएगा। इसलिए हमारा ये मानना है कि फ़लस्तीन, ये ज़मीन जो है तो फ़लस्तीनी अवाम की है, फ़लस्तीन लोगों की है। इसके लिए इसराइल जो है तो सबसे पहले वहाँ से फ़लस्तीन की ज़मीन को खाली कर दे। तो जब फ़लस्तीन की ज़मीन फ़लस्तीनियों के हवाले हो जाएंगी तो वहाँ पर शांति और अमन जो है तो आ जाएगा। सर, हमने देखा है जब जंग शुरू हुई थी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है तो खुलकर कहा था कि हम हमास के साथ हैं, क्योंकि वो एक दहशतगर्द तंजीम है और आप भारतीय हैं और आप भारत के नागरिक, एक पार्टी के जिम्मेदार भी है। अपने देश का प्रधानमंत्री उनके तायद करता है, खुलेआम समर्थन देता है जो भी पॉलिसी है, और आप उनके विरोध, एक तरह से विरोध हो रहा है, कैसा लगता है फिर आपको ये? अभी जैसा हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने भी बताया था कि वो जो ट्वीट नरेंद्र मोदी जी ने किया, बाद में जो है तो उसको ये कहा जा रहा है कि ये उनका व्यक्तिगत और पर्सनल है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं अच्छी तरह भाजपा और उनसे जुड़े हुए जो संघ परिवार के लोग हैं, इनकी मानसिकता बिल्कुल इसराइल जैसी है। ये भी जो है तो तानाशाह जैसे ज़ोइनिस्ट लोग हैं, ये भी जो है तो मानवता को बर्बाद करने वाले लोग हैं। इसलिए हम इनसे उम्मीद नहीं रखते। आज़ादी के बाद से लेकर जो हमारा भारत देश का स्टैंड है, हमने देखा महात्मा गांधी जी ने हमारे फ़लस्तीन का साथ दिया, उसकी बात लगातार 2014 तक जितनी भी सरकारें आई, चाहे वो कांग्रेस की हो या फिर दूसरी सरकारें, हर सरकार ने जो है तो खुलकर फ़लस्तीनी अवाम के साथ में सपोर्ट किया। आज भी भारत देश की जो जनता है वो जनता, अमन पसंद जनता, शांति पसंद जनता, ये सब जो है तो फ़लस्तीन की हिमायत में है। कोई भी इसराइल जैसा टेररिस्ट स्टेट का जो है तो कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। इसराइल एक आतंकवादी स्टेट है, एक टेररिस्ट स्टेट है, उसकी जो है तो खुल की मजम्मत होना चाहिए और हम भारत के लोग भी उसकी मजम्मत करते आए हैं और आगे भी करेंगे। मेरा आखिरी सवाल है, नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया में ये बात भी गर्दिश कर रही है कि पहला अटैक हमास की तरफ से हुआ, इसराइल ने नहीं किया था पहला हमला, मतलब ऐसा बताया जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे आप? देखिए, हमास क्या है वो हमारे को नहीं मालूम। अगर इसराइल के लिए हमास खतरा है तो आप उनसे जंग करिए ना। आम सिविलियंस का क्या है? आप स्कूल के ऊपर बम क्यों फेंकते हैं? आप हॉस्पिटल के ऊपर क्यों बम फेंकते हैं? आप औरतों को फास्फोरस बम से क्यों मारते हैं? मतलब तो कहीं ना कहीं इसराइली दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी दिख के आ रहा है। अगर आपकी जंग जो है तो हमास के साथ में है तो हमास से डायरेक्ट लड़िए आप, शहरियों को क्यों नुकसान पहुंचाते हैं? 75 साल पहले हमास नहीं था ना, 50 साल पहले हमास नहीं था, 30 साल पहले हमास नहीं था। हमास का नाम लिया जा रहा है, मानवताओं को मारा जा रहा है। सर, आखिरी सवाल जाते आते, सर औरंगाबाद की अगर मैं बात करूँ, महाराष्ट्र की औरंगाबाद के हद तक एक आप वाहिद SDI पार्टी है जो सामने आई है एहतजाज के तौर पर, और बाकी मुसलमान कहने का खामोश है, तो उसकी वजह क्या है? मतलब एक आप खुल के मैदान में आए जमहूरी अंदाज से और कहने की खामोशी पाई जा रही है, ये दोनों पहलू को आप किस नगाह से बोलेंगे, आप कैसा देखते हैं? आप इसमें दो चीज़ें हैं। पहली एक चीज़ क्या है, जो यहाँ पर जनता है ये जनता के अंदर एक डर डाला जा रहा है कि आप जमहूरी अंदाज से अगर सरकार के खिलाफ में जाएंगे और गवर्नमेंट में बैठे, सत्ता में बैठे हुए लोगों की पॉलिसी के खिलाफ में जाएंगे तो आपको झूठे केसेस डाले जाएंगे,
आपको जो है तो बड़ी बड़ी एजेंसियों के जरिए डराया और धमकाया जाएगा बोल के, ये डर जो है तो आवाम के अंदर है, ये हमको खुली तौर पर दिखाई दे रहा है। इसलिए आज हम देख रहे हैं कि औरंगाबाद के बच्चे बच्चा जो है तो आज ये चाहता है कि वो फलस्तीन के साथ खड़ा रहे, लेकिन कोई कयादत नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है। जो जिन लोगों ने हज़ारों वोट लेके आज सत्ता में बैठे हैं, आज जो है तो जो लोग कौम व मिल्लत की बातें करते हैं, आज क्या हो गया है उनको? आज आप अभी तक आप जो है तो खुलकर जो है तो आवाम के सामने नहीं आए। मोबाइल पर बोलना और चंद कैमरों के सामने बोलना बस इतना काफ़ी नहीं है, आपकी जितनी ताकत है उतनी ताकत के इस्तेमाल करते हुए आप जो है तो मजलूमियों के साथ में खड़े रहिए, तब माना जाएगा। आपके पास 100 रुपये खर्चा करने की ताकत है, 2 रुपये खर्चा करके आप ये बोलेंगे कि देखो मैं भी तो है ना खर्चा करने वाला 2 रुपये, लेकिन ये आपकी नीयत को अंदर जो खोट है वो खोट को दिखाता है। तो इसलिए आज औरंगाबाद के आवाम को भी ये समझना चाहिए कि आपके असली मसाइल को समझने वाले कौन है। आपको ड्रेनेज और रोड के अंदर जो है तो ये लोग जो है तो कन्फ्यूज़ करेंगे, मगर आप कन्फ्यूज़ होने की भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर भी जो है तो वो लोगों को कमीशन होना है, ये हमने रोड बनाया है, हमने ड्रेनेज बनाया है, हमने लाइट लगाई है, हमने कब्रिस्तान की दीवार बनाई है, किसी ने फ्री में नहीं बनाया, सब ने उसमें जो है तो कमीशन खाए हैं। ये लोग जो सत्ता में है, जो लीडरशिप के अंदर है, ये मुसलमानों के असली मसाइल को उठाने वाले लोग नहीं है। ये आप जनता को समझ में आना चाहिए और जनता समझ रही है। मैं सैयद कलीम, स्टेट प्रेसिडेंट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, SDPI महाराष्ट्र। रोशन गेट में आपका जो खामोश एहतजाज चल रहा है, तो एहतजाज क्यों किया है आपने आज? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI के जानिब से पूरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन पूरे मुल्क के अंदर ये चालू है, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरह से जो है तो इसराइल जो फलस्तीन के ऊपर जो है तो इनकी जो है तो जंग चालू है, और ये जंग जो है तो अभी से नहीं है, ये कई सालों से फिलिस्तीन जो है तो अपनी ज़मीन के लिए, अपने अधिकारों के लिए वो जो है तो 75 साल से लड़ रहे हैं। और फलस्तीन जैसा आप देख रहे हैं बैनर के अंदर, देखिए आप यहाँ पर जो है तो फलस्तीन जो ग्रीन में है, ये उसका तारीख भी लिखा है 1900 जो है तो 46 के अंदर, और ये आज की जो फोटो है, तो इज़राइल ने जो है तो इसके ऊपर कब्ज़ा करा हुआ है, ये नाजायज़ कब्ज़ा है। यहाँ तक कि हमारे जो है तो नेहरू, हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी से लेकर तो इंदिरा गांधी तक सब ने जो है तो फलस्तीन का सपोर्ट किया है, और सब जो है तो फलस्तीन के साथ में हर टाइम खड़े रहे, क्योंकि ये जो जगह है ये फलस्तीन की जगह है। फलस्तीन जो है तो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है, फलस्तीन जो है तो उसकी जो है तो फलस्तीन की जगह है। ये इसराइल जो है तो एक टेररिस्ट, ये दुनिया का सबसे नंबर 1 टेररिस्ट स्टेट है, इसका कोई वजूद नहीं था, ये अभी जो है तो ये UN के जरिए जो है तो वजूद में आया है, पर ये असल जो है तो ये अरबों की ज़मीन ही है, फलस्तीनी की ज़मीन है। इसके लिए जो है तो हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं वहाँ पर 75 सालों के अंदर जो है तो लाखों लोगों को ये इसराइल के ज़रिए जो है तो कत्ल किया गया, उनको शहीद किया गया है, और वो हमारी जो है तो फलस्तीन एक धार्मिक स्थल है, मुसलमानों के लिए एक आस्था का स्थल है, वो मक्का मदीना के बाद में अगर कोई पवित्र जगह है तो वो बैतुल मुकद्दस है, वो मुसलमान पूरी दुनिया के मुसलमान जो है तो उसको मानते हैं। तो ये जो है तो इसराइल को जो है तो वो फलस्तीन की जगह उनको वापस करना पड़ेगी, और हम ये चाहते हैं कि पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व जो है तो फलस्तीन को जो है तो उसका स्टेट का दर्जा उसको वापस देने के लिए पूरे दुनिया को आगे आना पड़ेगा। और हमारे जो है तो महात्मा गांधी ने भी जो है तो इसमें कहा है, जिस तरह से हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, इंग्लिस्तान इंग्लिस्तानियों का है, फ्रांस फ्रांसीसियों का है, उसी तरह जो है तो फलस्तीन फलस्तीनियों का है। तो हमने देखा है कि अभी हमारे मोदी जी ने भी तो इसराइल के सपोर्ट में ट्वीट किया, पर बताया जा रहा है कि उनको निजी ट्वीट है, पर उस तरह जो है तो हमारे विदेश मंत्री का भी जो है तो बयान आया है बाद में कुछ दिनों के बाद उनको पैचअप करने के लिए, क्या ये हमारा जो पुरानी जो पॉलिसी है उसी के तहत जो है तो फलस्तीन के साथ है। तो हम जो है तो खामोश आंदोलन इसलिए यहाँ कर रहे हैं कि ये जो वार जो चल रहा है ये रुकना चाहिए। हम जो है तो हिंसा के सपोर्ट में नहीं है, जो भी हिंसा करेंगे वो गलत है, पर ये 75 साल से जो मजलूमों को, जो फलस्तीन के मजलूमों को सताया जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, औरतों को मारा जा रहा है, ये 30,000 बच्चों को अभी तक जो है तो इसराइल ने फलस्तीन के कत्ल कर चुका है। इसके ऊपर जो है तो सबको खामोशी तोड़ना होगा, और इसराइल के खिलाफ पूरे दुनिया को खड़े रहना पड़ेगा, और इनको जो है तो फलस्तीन को फ्री करना पड़ेगा, फलस्तीन को आज़ाद करना पड़ेगा। और जो जो हमारे जो है तो पूरे दुनिया के अंदर जो ह्यूमन राइट की जो बातें करते हैं, ह्यूमन राइट का वायलेशन की बात करते हैं, आज जो है तो उनको आगे आना पड़ेगा, और फलस्तीन की आज़ादी के लिए और फलस्तीन को फ्री करने के लिए सबको एकजुट जो है फलस्तीनियों के साथ खड़े रहना पड़ेगा। और भारत के मुसलमान और भारत के सभी नागरिक, सभी
सभी जाति के लोग आज फलस्तीन के सपोर्ट में हैं, फलस्तीन के साथ खड़े हैं, मजलूमों के साथ हमेशा जो है तो हिंदुस्तान रहा है, हमारा देश भारत रहा है। आपका नाम? मेरा नाम मोहसिन खान, मैं जिला अध्यक्ष SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया।